राम राम सरुण भाई। राम राम भाई। राम राम भाई, आप कपास में गोमूत्र छाड़ने की तैयारी कर ही रहे हैं नहीं? हाँ, अभी पानी गिरिया करो बहुत दिन से, तो अभी पत्ता ककड़िया हुआ बाका होगा कि नहीं, एकालिए तैयारी तो करनी चाहिए अभी, बिल्कुल तत्काल व्यवस्था करी करें, अभी पत्ता सीधा हो जाएगा बाका हुई रहता। सही बात। हाँ सरुण भाई, आप जो गौमूत्र छिड़काव कर रहे हैं ये काय के लिए कर रहे हैं? भाई हम एकाल ये को इस्तेमाल करा गौमूत्र को, एक पत्ता कोकड़ा हो जाए और छिड़ने से 8 दिन की बजाय अपन 15 दिन का अंदर अंदर 2 बार स्प्रे कर सकें, तो ये पत्ता कोकड़ा नहीं होएगा और अपने के खाद का लेने भी पत्ता नगा एक ऐसे खाद को उपचार जो मिल जाएगा अपन का। हाँ भैया, मैं ये बताओ कि आप कसा का को गो मतलब छिड़काव का कसो का गोह वगैरह करा, जरा आप मैं बताओ। चलो अपन अभी गोह बनावा, तुम देख ले अपन छिड़काव कराए। हाँ चलो सरवण भाई, काम गोमूत्र आप छिड़काव कर रहा थे, काम काय का सामग्री लगेगा? गोल बना के लेना अपने, एकदम आप लगाए एक पंप के लिए 50 ml गौमूत्र, 15 लीटर पानी चाहिए, उसको हिलाने के लिए लकड़ी चाहिए, छिटकाव के लिए पंप चाहिए छाननी के साथ अपन को।